नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत सरकार ने कहा कोहिनूर पर नहीं कर सकते दावा। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि भारत कोहिनूर पर अपना दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने न तो इस पर जबरदस्ती कब्जा किया था और न ही इसे चुराया था। गैर सरकारी संगठन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान संस्कृति मंत्रालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि महाराजा रंजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर दिया था। कुमार ने मुख्य न्यायाधीश टीएफ ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार कोहिनूर लौटाने का दावा नहीं कर सकती। पठानकोट के गुनाहगार मसूद अजहर पर सुषमा स्वराज की चीन से दो टूक बार। भारत ने पठानकोट हमले के गुनाहगार जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर चीन से सोमवार को दो टूक बात की, और चीन भविष्य में इस मुद्दे पर भारत के संपर्क में रहने को तैयार हो गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यहाँ रूस भारत चीन की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान आतंकवाद पर सहयोग सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। भारत एवं चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री बीजिंग में मुलाकात कर रहे हैं। भारत खुद को सबसे खूबसूरत महिला की तरह पेश कर रहा है, चीनी मीडिया का कटाक्ष। चीन के सरकारी मीडिया ने अमेरिका के साथ साजो सामान विनिमय के समझौते पर हस्ताक्षर करने के भारत के निर्णय को अधिक महत्व नहीं देते हुए सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच अविश्वास के कारण प्रस्तावित समझौता रुका हुआ है, क्योंकि भारत एक ऐसी सबसे खूबसूरत महिला बनना चाहता है जिसे सभी, खासकर अमेरिका और चीन, अपनी ओर लुभाएं। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चीनी अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए सोमवार को चीन की अपनी पहली यात्रा शुरू की। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने LSA हस्ताक्षर को रोक रहा भारत अमेरिका का रणनीतिक अविश्वास शीर्षक से लेख में कहा है कि उनके पारंपरिक अविश्वास के बावजूद भारत अमेरिका के गठबंधन की अटकलें लगाना महाशक्तियों के बीच झूलने वाले देश की भूमिका निभाने की भारत की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से कम करके आंकना है। ओडिशा में बस खड्ड में गिरी 30 ओपेरा कलाकारों की मौत। ओडिशा में देवगढ़ जिले के पहाड़ी इलाके में ओपेरा कलाकारों को ले जा रही बस रविवार देर रात फिसलकर खड्ड में गिर गई, जिसमें मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच गई और 12 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मारे गए लोग बाराघाट जिले से भारतीय गणनाट्य के ओपेरा कलाकार थे, जो राउरकेला के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करके लौट रहे थे। मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।